नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है वैसे विराट समाचार में। मैं हूँ दिलीप कावेरिया। अभी हम खड़े हैं विराट पश्चिम के प्राथमिक आरोग्य केंद्र बोलिंच, जहाँ वैक्सीनेशन सेंटर है। पिछले कई दिनों से बसे तालुका में वैक्सीन की कमी को लेकर लोगों में आक्रोश पैदा था। आज हम बात करेंगे प्रभाग समिति अ के सखाराम जी माड़िक हमारे साथ है, मार्शल लोपिस है, नगर सेवक सीमाताई काले है। माड़िक साहब नमस्कार। नमस्कार सर, ये वैक्सीन सेंटर में जो आज लंबी कतारें लगी है, हाँ, और क्या व्यवस्था है, किस किस वार्ड के लोगों को दे रहा है, जरा जानकारी बताइए हमको। यहाँ पे करीबन आज डेढ़ दो महीना होने को आया। कभी कभी वैक्सीन कम आती है तो बंद था। अभी कल मंडे को वैक्सीन नहीं थी, बंद थी। ऑनलाइन वाले वैसे ही बढ़ते रहते। और आदमी लोगों की लंबी कतारें, सब लोग विरार ईस्ट से लेके अरनाला से लेके सतपाला से लेके यही सेंटर पे आते। तो ये होता था कि यहाँ पे तीन चार बार पुलिस को बुलाना पड़ा। वैक्सीन मिलती है कभी 70-80, कभी मिलती है 100-120। उसमें बाकी के जो लोग हैं बाद में गेट के ऊपर, सोशल डिस्टेंस नहीं, कुछ नहीं। इसके लिए अभी ये मंडे से दो दो वार्ड एक एक दिन, ऐसा तो क्या है पब्लिक थोड़ा कम हो जावे, ऐसा ये किया है हम लोगों ने। उसके बाद क्या है, डबल वैक्सीन वाले भी आते हैं तो इसके लिए भीड़ ज़्यादा है। मैंने कल ही कमिश्नर साहब को लेटर लिखा है कि यहाँ से अपना दो तीन और सेंटर खुल जाए, ताकि एक तारीख से जो 18 बरस के ऊपर 44 के अंडर उनको वैक्सीनेशन मिलने के लिए सुविधा मिले। वैसे ही बुजुर्ग लोगों अभी भी बाकी है, तो एक सेंटर बुजुर्ग लोगों के लिए भी रखना चाहिए कि जिसमें उनका वैक्सीनेशन होना चाहिए। करीबन ये नागरी आरोग्य केंद्र में 90,000 का पॉपुलेशन है, और विरार का भी जो नागरी आरोग्य केंद्र है मनुभाई निदान, वहाँ पे भी 70-75 हज़ार की पॉपुलेशन है और सेंटर खाली दो है। तो ऐसा 100-50-60 करके ये एक बरस चलने वाला प्रोग्राम लगेगा इनको। तो इसके लिए वैक्सीनेशन सेंटर बढ़ाएंगे तो जैसा कि इलेक्शन में जैसा स्कूल अवेलेबल रहती है, वैसा हर एक स्कूल में अगर वैक्सीनेशन सेंटर करें तो जल्दी से जल्दी इससे आदमी लोगों को सुविधा मिलेगी और वैक्सीनेशन भी ख़त्म हो जाएगा। सर, अभी आपने बताया कि सेंटर में लगभग 90,000 लोग रहते हैं और दिन के 100 वैक्सीन आती है, तो लगभग 90 दिन लग जाएगा, फिर वापस सेकंड डोज भी होता है। हाँ। तो ये कितना लंबा चलेगा ये? तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि कम से कम ये 8-9 महीना चलने वाला प्रोग्राम होता है। तो गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए, वैक्सीनेशन वैसे ही विरार महानगर पालिका में बढ़ना चाहिए और सेंटर भी बढ़ने चाहिए। उससे आदमी लोगों को सहूलियत होगी। एक तो कोरोना का काल है, लोग देख वैक्सीन के लिए दौड़ते हैं लेकिन सोशल डिस्टेंस भी नहीं रखते। कोई उसमें से पॉजिटिव होगा तो और सबकी तबीयत खराब हो सकती है, ये ध्यान प्रशासन ने रखना चाहिए। मार्शल जी, बहुत बार देखा गया कि लोग यहाँ पे वैक्सीन के लिए मारे मारे फिरते, पर जैसे मुंबई और भाईंदर जाते हैं तो वहाँ तुरंत वैक्सीन मिल जाती है, ये क्या कारण है सर? सर, कारण ऐसा है, मुंबई ये बड़ा सिटी है, मुंबई महानगर पालिका बहुत बड़ी है, उनकी कैपेसिटी है, वो लोग वैक्सीन मंगा सकते हैं। अपना वसई विरार महानगर पालिका का पास इतना पैसा नहीं है और इतनी बड़ी पोज भी नहीं है, इसके लिए ये भेदभाव हो सकता है। नहीं, पर डिस्ट्रीब्यूशन में भेदभाव है या क्या, अपनी कैपेसिटी नहीं है सर? नहीं, खुला खुला आरोप लगा रहे हो महानगर पालिका पे? मैं महानगर पालिका पे नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो शासन की ओर से जो वैक्सीन आता है वो हर जगह अभी जैसा मुंबई में अच्छे लेवल में आता है, वो लेवल में आज वसई में नहीं मिल रहा है। आज 8 दिन से हमारा उमराला आरोग्य केंद्र में जो हमारा वैक्सीनेशन होता है वो बंद है, जहाँ पे कम से कम 35-40 हज़ार लोग है। आज हमारे ग्रामीण की सब जनता यहाँ पे आके बैठी है, 4 किलोमीटर दूर आके उनको लाइन लगाना पड़ता है। तो हमारी एक ही मांग है गवर्नमेंट से, आपको जो हमारे ओर से जो कुछ सहायता लगेगी वो हम देने को तैयार है, लेकिन हर जगह मतलब हर पंचायत के लिए, हर इलाके के लिए एक एक ऐसा वैक्सीनेशन सेंटर अगर लगाएंगे तो पब्लिक 1-2-3 महीने के अंदर वैक्सीनेट हो जाएंगे और वो लोग सेफ रहेंगे। कल हमारी टीम ने सर विरार पश्चिम के 4 जगह दौरा किया, उसमें से 3 जगह वैक्सीन के लिए बंद था, मात्र 1 जगह चालू था, वहाँ पे भी मात्र 80 डोज था। तो ये लोगों में जो आक्रोश है उसको आप कैसे शांत करोगे सर?
नहीं, इसके लिए कल हम हमारे युवा आमदार सतीश ठाकुर और हमारे माननीय लोक नेता आमदार हितेंद्र ठाकुर और हमारे सभापति, हम लोग उनसे मीटिंग भी करवाई है। हम उनको ऐसे डिमांड किए, अगर इतना वैक्सीन नहीं आ रहा है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आपको कैसा वैक्सीन देने को मिलेगा, तो जो आदमी कैपेबल है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके वैक्सीन ले सकते हैं। इसके लिए अगर आपको गवर्नमेंट से हर जगह वैक्सीन देना है तो ऐसी चीज़ हर जगह होने वाली है। सीमा जी, जैसे आप कई दिनों से ये वैक्सीनेशन सेंटर में लोगों की सेवा के लिए खड़ी है, तो जो महिला घर का काम छोड़कर आती है तो उनके लिए कुछ विशेष सुविधा है क्या इधर? नहीं, ऐसी तो विशेष सुविधा नहीं है। जो अपना जैसा लाइन पे नंबर लेना है वैसे ले रही है और पूरा घर का काम छोड़ के पहला वो वैक्सीनेशन के ऊपर कॉन्सेंट कर रही है कि पहला मैं वैक्सीन ले लूं और मेरी फैमिली को अच्छी वैक्सीन से बचाऊं, कोरोना से बचाऊं। जैसे अभी देखा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने पर भी लोगों को लाइन लगानी पड़ती है, तो उसका क्या कारण? अभी लाइन लगानी पड़ती है, लेकिन अपने तो ज़्यादा वैक्सीन नहीं होने के कारण अपना उतनी कैपेसिटी है कि 40 लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जिन्होंने किया है उनको बैठा रहे, और अपना जो जिन्होंने जो ऑफलाइन में है उनको 60-70 टोकन उनको मिला है। कम से कम अपनी वैक्सीन कम है, इसकी वजह से अपने को ये दिक्कत आ रही है। माणिक साहब, एक बार फिर आपके पास आऊँगा, जो ये पैनिक फैला हुआ है कि वसई विरार में ही वैक्सीन की कमी है बाकी कहीं नहीं, इसका थोड़ा खुलासा कीजिए आप। वैक्सीन कम आने की वजह है, जहाँ से वैक्सीन मिलती है बंटवारे में थोड़ा सा गड़बड़ है, ये ऐसा आप कबूल कर रहे हो सर? हाँ, वो बंटवारे में गड़बड़ है। दूसरी बात है, रजिस्ट्रेशन में एक आदमी का 5 मिनट लगता है। मैं खुद मेरे कार्यकर्ताओं को लेके लैपटॉप लेके बैठाने के लिए एक दिन देखा, उन्होंने किया भी, हाँ काम किया, लेकिन ऊपर चौहान साहब है वालके अपने मेडिकल के ऑफिसर सुरेखा वालके मैडम, उनके साथ भी हम लोग बोले कि हम सोशल सर्विस करने के लिए तैयार हैं, आप वैक्सीन दे दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में 250-300 आदमी निकले। लेकिन जब वैक्सीन ही कम है तो इसीलिए हमारी आपसे भी मीडिया से भी दरख्वास्त है कि वैक्सीन बढ़नी चाहिए। सर, ये जो आप बोल रहे कि डिस्ट्रीब्यूशन की गड़बड़ी महाराष्ट्र सरकार से या महानगर पालिका से? ये गड़बड़ी महाराष्ट्र गवर्नमेंट से है, ऐसा मुझे लगता है। तो इसके बारे में आपने किसी से कोई शिकायत की सर? हमने लेटर भी दे दिया है, कल ही लेटर दे दिया है कमिश्नर साहब को कि वैक्सीन बढ़ाओ और ये वैक्सीन के सेंटर बढ़ाओ। धन्यवाद। देखा इस तरह आपने किस तरह सखाराम जी माणिक ने विस्तृत चर्चा कर बताया कि निश्चित रूप से डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ न कुछ गड़बड़ है और राज्य सरकार पर खुला खुला आरोप लगा है। धन्यवाद। दिलीप कांवरिया, वसई विरार समाचार।